E20 और 2024 का मॉडल है, जो कि इस बाइक में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने बाइक को स्टार्टिंग प्रॉब्लम को लेकर खोला हुआ है कि बाइक स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, बाइक के अंदर स्पार्क हो रहा है या नहीं, बाइक का फ्यूल पम्प सही से चल रहा है या नहीं, इंजेक्टर सही से वर्क कर रहा है या नहीं, और बाइक में सब कुछ सारा डिटेल में बताऊंगा। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल रहने वाला है, खासकर मैकेनिक भाइयों के लिए। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर से लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। ये बाइक में दिखा देते हैं हम कि बाइक में दिक्कत क्या आ रही है। जैसे ही मैं इसका यहाँ से स्विच ऑन करता हूँ तो यहाँ पे न्यूट्रल लाइट बिलिंग हो रही है, और यहाँ पे जो इसकी माल फंक्शन स्टेटस लाइट है वो बिलिंग हो रही है। और एक बार मैं बाइक का फिर से स्विच ऑफ करता हूँ और आपको जो इसकी फ्यूल पम्प की चलने की आवाज़ है वो भी मैं सुनाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर आप सुन सकते हो जो इसका फ्यूल पंप है वो भी सही से वर्क कर रहा है। फिर से मैं आपको सुनाने की कोशिश करूं, यानी कि बाइक का फ्यूल पंप भी सही से वर्क कर रहा है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और मैं बाइक का जैसे ही यहाँ से इग्निशन ऑन करता हूं और बाइक का यहाँ से सेल्फ लेता हूं तो इस प्रकार से बाइक स्टार्टिंग में इरिटेटिंग कर रही है, यानी कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और बाइक का मैं यहाँ से आपको किक भी यूज़ करके दिखा दूं तो ये देख सकते हो, यानी कि बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। और अब पहला स्टेप आ जाता है, बाइक के अंदर जो करंट है वो आ रहा है या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे करंट चेक करवाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ से प्लग कैप को ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर प्लग कैप को ओपन कर लिया है और अब बाइक का सेल्फ लेते हैं। तो यहाँ से इसमें करंट चेक करवाने की कोशिश करें। तो सेल्फ लेने के बाद ये देख सकते हैं यहाँ पे बाइक के अंदर करंट है वो रेगुलर आ रहा है। तो बाइक के अंदर करंट भी रेगुलर आ रहा है लेकिन बाइक फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही है। और एक बार मैं यहाँ से आपको किक का भी यूज़ करके दिखा दूँ। तो यहाँ से बाइक में किक लेते हैं तो ये देख सकते हो, यानी कि स्पार्क भी सही से हो रहा है। जो इसका फ्यूल पंप है वो तो चल रहा है लेकिन वो रेगुलर फ्यूल की सप्लाई हो रही है बाइक के अंदर या नहीं, ये देखना होता है। तो उसके लिए अपने को यहाँ से जो इसका यूटिलिटी बॉक्स है इसे ओपन करना होगा। तो यहाँ से जो इसका यूटिलिटी बॉक्स है ये ओपन कर दिया है, और अब जो इसका यहाँ पे इंजेक्टर के अंदर फ्यूल पाइप आ रहा है उसको चेक करना होता है कि बाइक के अंदर रेगुलर फ्यूल की सप्लाई हो रही है या नहीं। तो इसको निकाल कर अपन जो इसका प्रेशर है वो चेक करने वाले हैं कि बाइक के अंदर रेगुलर फ्यूल का प्रेशर सही से आ रहा है या नहीं। तो यहाँ से जो इसका फ्यूल पंप वाला पाइप है इसे ओपन कर लेते हैं। कुछ इस प्रकार से हमने इसे ओपन कर लिया है। को बाइक की की ऑन करनी है। तो यहाँ से जैसे ही बाइक की ऑन करते हैं तो यहाँ पे आप फ्यूल का प्रेशर देख सकते हो, यानी कि बाइक के अंदर जो फ्यूल सप्लाई है वो भी सही है। यहाँ पे आप बिल्कुल प्रूफ के साथ देख सकते हो। तो यहाँ से अपना इसका कोई इशू नहीं हो सकता। यदि आपकी बाइक के फ्यूल पंप में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ से जो पेट्रोल है वो रेगुलर यहाँ से गिरता रहेगा। तो ऐसा बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बारी आ जाती है जो इसका यहाँ पे इंजेक्टर लगा हुआ है उसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो प्रॉपर है या नहीं। तो उसके लिए अपने को एक मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर मल्टीमीटर को हमने 20 वोल्टेज पर सेट कर दिया है, और आपको बाइक का जो स्विच है वो ऑन रखना है, और यहाँ पे जो रेड पे ब्लैक प्रोप है इस वाले वायर पे आपको 12 वोल्ट की सप्लाई चेक करनी है। तो यहाँ से आपको जो इसका पॉजिटिव वायर लगाना है और जो इसमें ग्राउंड है वो कहीं से भी आपको इंजन अर्थिंग कर देना है इस प्रकार से। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11 पॉइंट कुछ वोल्टेज के लगभग यहाँ पर वोल्टेज शो हो रहे हैं। तो ये परफेक्ट है, यानी कि जो इंजेक्टर में है वो जो करंट का इशू है वो भी नहीं है। तो इसको भी यहाँ से ऐड कर देते हैं। उधर से हमने जो इसका फ्यूल पंप भी चेक किया, इसके इंजेक्टर वोल्टेज भी चेक किए, क्योंकि यदि बाइक का फ्यूल पंप नहीं चलता तो हम मान लेते कि बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। उसके बाद में जो इसका स्पार्क प्लग है यह भी हमने चेक किया, यह भी बिल्कुल ओके है। और स्पार्क प्लग आप यही देख सकते हो, स्पार्क प्लग इसमें बॉस का लगा हुआ है, और स्पार्क प्लग को मैंने चेक किया, स्पार्क प्लग बिल्कुल परफेक्ट है, और बाइक के अंदर करंट भी प्रॉपर आ रहा है लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। अब अपना स्टेप बचता है इसकी थ्रोटल बॉडी को लेकर। तो इसकी थ्रोटल बॉडी को ओपन करने वाले हैं और हम आपको दिखाने वाले हैं कि इसकी थ्रोटल बॉडी के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है। या तो इसके अंदर कोई गंदगी है या फिर कोई इसमें सेंसर या एक्चुएटर इसमें चौक है,
क्योंकि कस्टमर का कहना है कि बाइक में अचानक से चलते चलते ओवर रेसिंग हो जाती थी और उसके बाद में जैसे आरपीएम है कम या ज़्यादा ऐसे आरपीएम की प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसकी थ्रोटल बॉडी को सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और उसके बाद में हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि बाइक के अंदर एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी। क्योंकि जो आफ्टर मैकेनिक भाई, गैराज वाले मैकेनिक भाई है, उनके पास ऐसी प्रॉब्लम को लेकर बाइक आती है, यानी कि बाइक के अंदर सब कुछ सही है फिर भी बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है, तो आपको इसकी थ्रोटल बॉडी को चेक करना है। और बाइक के अंदर अपन ओबीडी स्कैनर लगा कर देखने वाले हैं कि बाइक के अंदर कोई फॉल्ट तो जनरेट नहीं है, क्योंकि बाइक स्टार्ट होती और यहाँ से चेक इंजन लाइट शो होता रहता तो अपने को मालूम चल जाता कि बाइक के अंदर कोई फॉल्ट है। तो फटाफट से जो इसकी थ्रोटल बॉडी है इसे ओपन करते हैं। बाइक की थ्रोटल बॉडी है इसे हमने यहाँ से कुछ इस प्रकार से ओपन कर लिया है और अब जो इसके सेंसर्स और ये एक्चुएटर के कपलर है इनको आपको बड़ी आसानी से यहाँ से जो ये पिन है इनको दबाकर निकाल लेना है। ये कुछ इस प्रकार से जो इसकी थ्रोटल बॉडी है इसे हमने यहाँ से ओपन कर लिया है और थ्रोटल बॉडी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे जो इंजेक्टर की तरफ है वो काफ़ी गंदगी है। इस प्रकार से आपको दिखाने की कोशिश करें तो यहाँ से आपको साफ दिखाई दे रही है। तो एक बार के लिए करने के वाले हैं, इसका एयर सेंसर और मैप सेंसर है इनकी क्लीनिंग करने वाले हैं और इसमें हवा का प्रेशर मरवा कर अपन जो इसको थ्रोटल बॉडी को वो यहाँ पे ऐड करने वाले, स्प्रे से ही इसको साफ करना है। जो भी WD-40 या फिर पिस्ता कंपनी का आता है और भी कई अच्छे स्प्रे आते हैं तो उससे आपको इसे क्लीन करना है। इसके क्लीनिंग का प्रोसेस भी हम इसी वीडियो में दिखाने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले BS6 बाइक की थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं आई बटन में या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ताकि आप जो BS6 की थ्रोटल बॉडी है उसकी अच्छी तरीके से क्लीनिंग कर सको। तो इसकी थ्रोटल बॉडी का मैंने कंप्लीट वहाँ पे वीडियो बनाया हुआ है कि BS6 बाइक की हीरो स्प्लेंडर हो या BS6 हो, हीरो स्प्लेंडर BS6 या BS7 हो, उसकी थ्रोटल बॉडी को आप किस प्रकार से क्लीन कर सकते हो तो उसका वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और जो इसकी थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग का प्रोसेस है वो भी यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। जो बाइक की थ्रोटल बॉडी है इसे हमने पूरी तरीके से ओपन कर लिया है और ये मैंने यहाँ पे जो इसका इंजेक्टर है इसे भी ओपन किया है और ये जो इसका एयर सेंसर मैप सेंसर है इनको भी ओपन किया है। तो यहाँ पे ये मेरे पास है पिस्ता कंपनी का, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ जो बाइक की अक्सर थ्रोटल बॉडी और कार्बोरेटर क्लीनिंग में है, तो मैं इन्हीं का यूज़ करता हूँ और मैं इसी से जो बाइक की थ्रोटल बॉडी है वो क्लीन करता हूँ। ओपन करने के बाद इनकी आपको इस प्रकार से सफाई करनी है और जो इसका इंजेक्टर है इसकी आपको किस प्रकार से क्लीनिंग करनी है वो भी मैं पूरा मेथड दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। और जो बाइक की थ्रोटल बॉडी है आपको जो ये रिंग है इनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। क्योंकि BS6 बाइक की थ्रोटल बॉडी यदि ये गंदी रहेगी तभी भी बाइक के अंदर जो RPM फ्लक्चुएशन की प्रॉब्लम है वो आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि कस्टमर का कहना है कि बाइक के जो RPM है एकदम से बढ़ने के बाद बाइक स्टार्ट नहीं हुई, तो यही प्रॉब्लम थी बाइक के अंदर। और जो कस्टमर है वो रेगुलर 3-4 मैकेनिक भाइयों के पास चक्कर लगाकर आ चुके हैं क्योंकि कस्टमर का जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिला और फिर बाद में जो बाइक है वो बिल्कुल बंद पड़ गई। तो ये मैंने कुछ इस प्रकार से जो इसकी थ्रोटल बॉडी है इसको केमिकल से साफ किया है और यहाँ पे जो इसमें गंदगी निकली है आप देख सकते हो। और अब फाइनली बारी आ जाती है इसके अंदर एयर से सफाई करवाने की, तो इसकी एयर से सफाई कर लेते हैं। थ्रोटल बॉडी को पूरी तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है, अब बारी आ जाती है इसमें इंजेक्टर ऐड करने की, तो यहाँ से जो इसका इंजेक्टर है इसे भी ऐड कर लेते हैं। और इससे पहले हमने इंजेक्टर क्लीनिंग का वीडियो बनाया हुआ है तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। तो आपको यहाँ से जो इसकी ये रबड़ रिंग है इसको चेक कर लेना है और इंजेक्टर को आपको बिल्कुल आसानी से यहाँ पे ऐड कर देना है। जो इंजेक्टर असेंबल कर लेते हैं ठीक है, उनको आपको बराबर टाइट करना है इस प्रकार से, वो भी आपको बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर ऐड करना है। और यहाँ पे आपको 2 स्क्रू दिए होते हैं तो आपको इनको भी बड़ी आसानी से यहाँ पे ऐड कर देना है और पेचकस ड्राई की मदद से इन्हें भी कस लेना है, इनको भी आपको बराबर टाइट करना है इस प्रकार से। और फाइनली जो थ्रोटल बॉडी है इसे बाइक में इंस्टॉल करते हैं।
यहाँ से मैंने बाइक के अंदर थ्रोटल बॉडी को पूरी तरीके से क्लीन किया था और यहाँ पे मैंने थ्रोटल बॉडी को क्लीन करके ऐड कर दिया है। इंजेक्टर का पाइप यहाँ से ऐड कर दिया है, जो इसके सेंसर और एक्चुएटर है, कपलर है, इनको ऐड कर दिया है। और बाइक के अंदर जो इसका कैप है, प्लग कैप, इसे ऐड कर दिया है। प्लग वही है, स्पार्क प्लग, आप यहाँ पर देख सकते हो। और सब कुछ सही होने के बाद अब बाइक के अंदर आपको करना क्या है कि आप जब भी फर्स्ट बार बाइक को स्टार्ट करो इस कंडीशन में, तो आपको 3 या 4 बार इसका स्विच ऑन ऑफ करना है। इस प्रकार से जैसे मैं इसका स्विच ऑन ऑफ करता हूँ, इस प्रकार से आपको इसका स्विच ऑन ऑफ करना है और सेल्फ लेना है। यदि सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो तो आपको किक का यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो बाइक सेल्फ से स्टार्ट हो चुकी है और सिंगल सेल्फ के अंदर स्टार्ट हुई है बाइक, और बाइक पूरी तरीके से स्टार्ट है। थोड़ा बहुत मैं बाइक का थ्रोटल लेकर दिखाऊँ आपको। तो बाइक के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आरपीएम कम या ज़्यादा होने की दिक्कत है, लेकिन बाइक के अंदर यहाँ पे जो इसमें चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये शो हो रहा है, तो इसे एक बार के लिए यहाँ से रिसेट करते हैं। तो यहाँ पे स्कैनर को हमने कनेक्ट कर लिया है और ये जैसे ही बाइक का स्विच ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे ओके करना है। उसके बाद में ये अंदर चला जाता है, बाइक के अंदर एक फॉल्ट कोड जनरेट हुआ है, फिर से ओके करना है। रीड डीटीसी में चलना है यदि आपको फॉल्ट कोड को रीड करना हो तो। यहाँ पे इंजेक्टर सर्किट ओपन इसका कोड है, यहाँ से बैक चलते हैं। उसके बाद में आपको क्लियर डीटीसी पे चलना है, ओके करना है और फिर से ओके कर देना है। एक बार बाइक का स्विच ऑन ऑफ करना है और आपको बाइक को स्टार्ट करना है। बाइक का स्विच है वो ऑफ करना है, फिर से ऑन करना है और बाइक के अंदर आपको सेल्फ लेना है। बाइक सेल्फ से स्टार्ट ना हो तो आपको किक का यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं बाइक में किक का यूज़ करता हूँ और जो यहाँ पे चेक इंजन लाइट का सिंबल है ये भी बिल्कुल गायब हो चुका है यहाँ से। और बाइक के अंदर आपको मैंने दिखाया कि बाइक के अंदर प्रॉब्लम क्या थी, और बाइक बिल्कुल एक तरीके से कहा जाए तो मस्त तरीके से स्टार्ट है। और यदि किसी मैकेनिक भाई के पास कभी भी ऐसी प्रॉब्लम को लेकर BS6 E20 या BS7 E20 के अंदर बाइक आए तो आपको उसको ईजिली और आसान तरीके से। वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए।